दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आपके ना तो समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ और आप ना समझ पाओगे। इसलिए अगर तलाक की डिग्री मिलने के बाद व्यक्ति कितने दिन बाद शादी करना पड़ता है या कब करें जो पछताना ना पड़े, कभी भी आप कानून के हिसाब से शादी करें। मान लो आपको पति पत्नी होते हुए कि आपने 13 सेक्शन 13 में तलाक का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। तलाक का प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद कोर्ट जो दूसरा पक्ष है उसको समन या नोटिस जारी करेगा। समन नोटिस जारी करने के बाद कोर्ट अगली डेट देता है। मान लो कोई भी केस का प्रोसेस ये होता है कि आपने एप्लीकेशन या आपने दावा पेश किया, उसके बाद रिपोर्ट होने के बाद कोर्ट जो भी दूसरा पक्ष है उसको समन या नोटिस जारी करेगा, जो अगली तारीख देगा उस पर उपस्थित होने के लिए कहेगा। अगर मान लो दूसरा पक्ष, पहला पक्ष जिसने 13 सेक्शन 13 में जो तलाक का केस किया था वो उपस्थित हो गया, लेकिन दूसरा पक्ष को नोटिस जारी करके बुलाया था वो व्यक्ति नहीं आता है, तो कोर्ट एक और चांस देते हुए अगली तारीख को फिर उसे बुलाने की कोशिश करता है। मान लो लगातार एक या दो या तीन तारीख निकलने के बाद भी वो दूसरा पक्ष हाजिर नहीं होता है, तो हाजिर नहीं होता है तो उसे एक पक्षीय या एक पार्टी तलाक दे दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि कोर्ट दोनों को सुनना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष समन नोटिस जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहा है, तो कोर्ट जिसने 13B में तलाक का केस किया था उसे तलाकनामा दे दिया जाता है, तलाक की डिग्री दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों तलाक की डिग्री देने के बाद दूसरी शादी कब करना चाहिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लो आज आपको तलाक की डिग्री मिली, आप कल ही दूसरी शादी करते तो वो वैलिड नहीं होती है, क्योंकि आपको इसमें कानून के हिसाब से, कानून की प्रक्रिया के हिसाब से गुजरना पड़ेगा। मान लो अगर एक्स पार्टी तलाक होने के बाद 90 डेज दिन उस डिग्री की अपील हो सकती है। मान लो बाई दफा अपील नहीं हुई और आप 90 दिन के बाद दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन आपको 90 दिन के बाद कानूनी प्रक्रिया है, 90 दिन के बाद आप कर सकते हो, लेकिन आप कम से कम 6 महीने के बाद ही आप दूसरी शादी करें तलाक मिलने के बाद, क्योंकि 90 दिन के बाद या 90 दिन के अंदर दूसरा पक्ष अपील कर सकता है, लेकिन 90 दिन के गुजरने के बाद दूसरा पक्ष लिमिटेशन एक्ट 5 सेक्शन 5 के अनुसार वो इतना इम्पोर्टेंट सबूत लाए कि मैं इस वजह से उस तारीख को उपस्थित नहीं हो सकी, सारी चीज़ें ला के पेश करने के बाद कोर्ट उसे सुन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता बोझ, क्योंकि लगातार 2-3 तारीख देने के बाद अगर समन तामिल होने के बाद वो व्यक्ति नहीं आता तो कोर्ट ये देखती कि आप जब बार बार आपका को नोटिस जारी होता है, समन तामिल होता है, आप नहीं आने का कारण क्या है। अगर वो इस प्रकार का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट या मजबूत कारण पेश करती है तो कोर्ट उसे सुन सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसों में सुनवाई नहीं होती। इसलिए मेरा इस वीडियो का मकसद है कि कभी भी तलाक लेने के बाद या तलाक की डिग्री मिलने के बाद आप 90 दिन के बाद दूसरी शादी कर सकते हो, अन्यथा आप पछता ना पड़ सकता है, आप बुरे पस सकते हो, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी डिग्री की अपील 90 दिन के अंदर अंदर कर सकता है। इसलिए आपको कम से कम उस 90 दिन को छोड़ के उसके बाद, और मेरी सलाह ये कि आप कम से कम 6 महीने के बाद दूसरी शादी करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरी सलाह है, क्योंकि कम से कम 90 दिन के अंदर अंदर तो अपील करने का प्रावधान है। कोई भी किसी भी पक्ष, मान लो एक पार्टी तलाक की डिग्री मिल गई आपको, लेकिन दूसरा पक्ष मान लो हाजिर नहीं हुआ, तो इसलिए एक पार्टी तलाक मिल गया तो वो व्यक्ति 90 डेज या 90 दिन के अंदर अंदर तलाक कर सकता है। मान लो उसे तलाक कैंसिल कराने के लिए अपील कर दी, लेकिन
अपील करने के बाद उसका केस रजिस्टर्ड हो गया या उसको सुनने के लिए तैयार है कोर्ट, लेकिन कोर्ट ये पूछता है कि इस व्यक्ति को जब डिग्री या तलाक का केस फाइल किया था आपको संबंध या नोटिस जारी किया था, इसलिए कोर्ट उसे सुन नहीं सकता क्योंकि कोर्ट पिछली जो एक्स पार्टी है उनको देखता है, सारी चीज़ें देखने के बाद ही कोर्ट सुन सकता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको एक्स पार्टी तलाक मिलने के बाद भी आप कम से कम 90 दिन या कम से कम 6 महीने के बाद आप दूसरी शादी करें जिससे आपकी शादी में कोई रुकावट ना हो। इसलिए आप सभी को मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद देखकर, कभी भी मान लो आप किसी वकील के माध्यम से जाते हो और आपको तलाक मिल जाता है, आप आज तलाक मिला कल शादी कर लेते हो, वो वैलिड नहीं होती। कम से कम 90 दिन तो आपको निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप तलाक कर सकते हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह के मैं वीडियो आगे भी लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कुछ जानकारी जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट्स करके आप हमें पूछ सकते हो। और जब तक के लिए बने रहे इस वीडियो में लगातार, और अगला वीडियो फिर इस प्रकार का लेके आऊँगा। इसलिए आपको इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।